क्यों टैक्सी में बैठ के टैक्सी में घूम कर टैक्सी नहीं चली मेरी प्रॉब्लम है ऐसे तो आई एम नॉट गिविंग यू सॉरी फाइन दो क्यों अब टैक्सी से बाहर तभी निकलोगी जब फाइन दोगी मेरी टैक्सी टूट जाएगी तो मैं यहीं पे बैठूंगी फाइन दो क्यों दोगी फाइन नहीं मैं निकाल लूंगी दो जल्दी मांग सकती हो हाँ दो फिर दो नहीं दूंगी फाइन दो यार तुम गलती पे गलती करी जा रही हो गलती कौन सी है मैं तो टैक्सी में बैठी तुम्हारा ड्राइवर नहीं चल रहा उसको बोलो 200 रुपए फाइन है नहीं दूंगी 400 नहीं दूंगी 500 2000 बोल दे नहीं दूंगी 500 रुपए निकलने वाले हैं 10 गिनने तक बिग बॉस चाहते हैं कि एक 600 निकालो 100 मुझे भी दो 2 3 4 5 10 ले 3 10 मुझे नहीं मालूम लेट मी सी 4 मेरे को लगा अब भयंकर महाभारत होगा 5 6 7 रेड लाइट यू कांट मूव मैं मूव नहीं कर सकती रेड लाइट में बैठी हूं तो मैं टैक्सी में बैठ नहीं सकती यहां से 10 500 रुपए खुद निकाल खेलो रूल क्या कहता है रूल कहता है कि आप एक बार भी यात्रा नहीं करी आपने मैं टैक्सी में बैठ रही हूँ ड्राइवर नहीं चला रहा हूँ उसको ले जा ही नहीं रही हो नेगोशिएट नहीं कर रही हो आवाज नीचे तुम भी आवाज नीचे करो आवाज नीचे मेरे से बात नहीं करना क्यों कर रही हो यार मैं तो फाइन दो लूंगी यार आवाज नीचे फाइन लूंगी मैं आवाज नीचे जरूर लूंगी फाइन तो लगेगा काट मैं टैक्सी में आई तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर नहीं चला तुम टैक्सी ड्राइवर तो तुम पहले नेगोशिएट करके टैक्सी में बैठती ना मैंने अरे अगर आप अंदर बोल देंगे मैं रुकता ही नहीं बीच में touch your hands on me, okay? One slap. Now, you'll be screwed if you hit him once. Okay, but serious, don't take this thing. Not serious, not talk about it. You want money? का भी 50 नहीं करूंगी देख ले खाम खा मैं यही खा जाऊंगी तेरी ले खा ले ना खा ले और 50 दे दे 40 दे दूंगा चलो मुझे कौन है 40 कर लो ये बहुत अच्छा कॉपर है करो बस बहुत अच्छा कॉपर है बहुत बढ़िया 40 भी जाएंगे अरे छोड़ो ना थोड़ा दे दे आपको जित मत करो अभी नहीं जाएंगे बैंकर आने दो 51वां दिन शाम 6:30 बजे आनंद सर चलना है सर कहां जाना है बाहर जाना है आराम करना है शहर के लिए चलिए जी कितने का 100 ही तो है आपको तो मालूम है सुन रहे हैं पूरी बातें नेगोशिएट करो हमारे हमारे पुलिस ऑफिसर ने बोला 100 से कम नहीं जाएंगे कम से कम बताओ मनवीर 100 कम से कम 100 तो फिक्स है मैं तो ले आप तो हाँ आप तो सस्ते में घूम गए सर एक तो प्रियंका ही एक अलग जोन की है इस बंदे को 30 रुपए में उठा के लाई और खाना खिला दिया जो सबसे वीक पॉइंट है खाना मत दो अपने आप पैसे देता नहीं देता मैं व्रत में रह जाता अब देखते हैं हम वॉशरूम के बिना कैसे रहते हो मुझे क्या है मैं यही पेशाब कर लूंगा मेरा क्या है अपने आप करवाते रहेंगे तो यार क्यों बोल रहे हो क्यों गंद फैला रहे हो करो हाँ तो चुप रहो ना हाँ करो बड़ा बड़ा जरूरत नहीं इसका ये काफी है ये मिट्टी का ये टूट जाएगा तो साहिल जितना बोलेगा ना भाई हमने तो कुछ बोला ही नहीं मैं सबसे बोलो जितना बोलोगे ना उतना ही बोलेगा और करेगा कुछ नहीं बाथरूम जाना है किसी को इसलिए लाया गया इसलिए मग ले लिया सब ले लिया कुछ नहीं करेगा देख काफी लोग हैं अभी उधर भाई आप दोनों में से कोई 50 रुपए में चल रहे हैं सर जी 100
मैं इसमें कर रहा हूँ फिर कर दो आपको जो करना है करिए पर हम हमारा प्राइस जी है 101 वे सर जी फिक्स्ड है हमारा राहुल जी मैं कर रहा हूँ 50 रुपये में लोग चल रहे हैं तो ठीक है बना इसमें कर रहा हूँ 100 जी 100 50 रुपये में आप 50 रुपए के क्या दिक्कत है उसके सामने कैमरे यप इफ यू हियर साउंड तो आपको आ जाएगी थोड़ी सी उसको क्या बोलूं वो आपका नाम ले लेके मुझे धमकियां दे रहा है कि राहुल जी से ऐसे बात करी आपने आप लोग इंडिविजुअल हो मेरे पापा की उम्र के आप लोग इंडिविजुअल नहीं हो मैं यहाँ करता रहूंगा किचन में गंदा मत घूम बाहर निकल किचन से ना ऐसा कोई रूल नहीं है ऐसा कोई रूल नहीं है प्रियंका यहाँ पे कुछ बोलो ऐसा कोई रूल नहीं है घर का नियम उठा के उधर रखो क्या उधर ले जाओ उसके लिए हमको तो हम मैं यहाँ से बाहर निकल किचन से किचन से बाहर ना बाहर वहाँ खड़ा हो वहाँ जाओ मनवीर किचन से खड़ा हो हाथ नहीं लगा रहा भाई किचन से खड़ा हो बस यहाँ खड़ा हो किचन में मत जाओ हाथ हटा मेरे से हाथ हटा बस ऐसे रहे किचन से रहे किचन में मूत के आ मूत के आसे घुसे कर रहे बाथरूम तो चलो उठा लो एक बार उठा लो ये लो टिश्यू इसको ढक दो उठा लो उधर हाँ वो कर देता हूँ देखो उधर जाओ मेरे पर तुम फाइन करोगे आप अपने हाथ यहाँ पे नहीं धोएंगे आपको जाना टॉयलेट में ही पड़ेगा आई एम सॉरी मैं नहीं जाऊंगा मैं हाथ नहीं धोता कोई बात नहीं किचन में मत घुसो घुसूंगा क्यों घुसोगे तुम्हें लड़ना है तो लड़ो लड़ना नहीं चाह रही हम आपको लड़ो लड़ो किचन में तेरे आगे लगी हुई है मैं पहले अपना हाथ नहीं उठाऊंगा मेरे पर हाथ को उठाएगा तो मैं उठाऊंगा और चीजें नहीं छूओगे खड़ा हूँ यहाँ रुक जा आ जाओ शांत शांत इसका क्या करेंगे ये फेंकेंगे साफ कर देंगे बैठो बैठो सुन जेल की चाबी भाई जेल में बाहर मिल नहीं रही मुझसे ले ले पैसे ले मुझसे ले ले और जा 10 रुपया दो 10 रुपया दे रहा हूँ लेके जा बाली लेके जाओ इसका मुंह तो और इसको टैक्सी में कितने पैसे मिल रहे हैं 10 रुपये प्लीज अभी इसको जाने दे बाली बाली ले जा इसको मुझसे पैसे ले लियो इसको कहीं दूर फेंक के आ जा पर इन्होंने पहले भी मुझे 30 ही दिया और हम 100 अगर बोल रहे हैं 100 तो मैं उसके साथ स्टिकर देना यार तो गुरुजी को बोलो 100 देना बाबा मैं नहीं दूंगा दो देना होता कोई बात नहीं मत जाइए मत जाइए सब देते हैं तो सबको दे दो ऐसा नहीं है ये तो जितना तुम्हारा घर है उतना ही मेरा भी घर है नहीं मगर किचन में मूतने का तो किसी का भी घर नहीं है नोट रहे हैं एक बार 200 रुपए दे दो नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा मुझे पैसे बचा करके रखने हैं तुम्हारे लिए लास्ट टाइम में मैं सारा पैसा तुम्हारे पास इस्तेमाल करूंगा फाइन के रूप में ये लोग क्या कर रहे हैं आप 50 पे दो बानी चलो आओ बानी राहुल जी ध्यान से पीछे से बानी कोई बात नहीं बानी टॉयलेट या कुछ नहीं बोल रही हूँ बैठ जाओ हम आप आराम हम, से हम आप लोगों का भी तुम उठा करके आराम से आराम से सुनो लाओ मुझे तो मैं उठाऊं नहीं इट्स ओके इट्स फाइन हम आराम से चलेंगे नो प्रॉब्लम उसमें डाल दिएगा वॉश बेसिन में डाल टेंशन मत लो हम आराम से चल रहे हैं ठीक है स्लोली स्पीड नहीं जा रही हूं सुबह 11:30 बजे तुमने जो गलत रीजन से मेरे बॉडी पॉइंट्स लिए थे वो तो दे दो यार मेरे पास कुछ तो रहे 40 कम से कम गेम में तो रहे वो क्योंकि रीजन के बाद भी तुम गौरव से फाइन नहीं ले रहे हो विदाउट एनी रीजन तुमने मुझसे फाइन ले लिया तो मेरा वो तो रिटर्न कर दो एटलीस्ट साहिल गवाही देने को तैयार है आगे भाग रहा था सर मैं साहिल आओ गवाही दे दो कि रोहन तुम्हारे आगे मैंने आपको क्या बोला ना गौरव जी मुझसे क्यों हो रहे हो मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आपको वैसे कि अगर देखा जाए तो आपको अगर लग रहा है तो मैं आपको मैंने कुछ नहीं बोला पूरे कैमराज ने देखा है ये झूठा है ये उल्टी गेम खेल रहा है आपके जो फेवरेट सब उनको सपोर्ट करो बिल्कुल सही फेवरेट हाँ ठीक है फेवरेट 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 का गेम नहीं है आपको सब इससे ऊंची बोलने का भी गेम नहीं है समझे ऊंची बोलने का आपकी तरह नहीं मैं शोर मचाता फुटेज नहीं चाहिए मुझे आपकी तरह सच बता रहा हूँ मैं सलमान सर ने क्लियर कर दिया था उस दिन भी हाँ बोलो ये सब भी मैं नहीं करता ब्रश कर लो यार एक बारी लिस्टिंग भावे पड़ा है ये देखो प्लीज डोंट डू दिस ये देखो थूक फेंक दो बिग बॉस से ये हटो यहाँ से थूक फेंक दो यार ये नहीं करता क्या करूँ फिर यार
किसी हद में रह के करो ना, फिर रह के खेलो गेम यार।